हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड टेल मी अबाउट अ फ्यू दैट नाउडेज, व्हाट डू यू डू एट योर होम? क्या करते हो आजकल? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बच्चे? ओहो, मौज मस्ती कर रहे हो घर में आजकल? मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 5 एंड चैप्टर 4। दिस टुडे विल स्टडी अबाउट ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। ओके, यह जो है वीडियो क्लास 5 के लिए है और लेसन 4 है पार्ट 2 में, और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर, लेसन नेम द सेंटेंस। आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस और उसके पार्ट्स, वाक्य और उसके पार्ट्स सीखेंगे, वाक्य और वाक्य के प्रकार सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेना क्या है कि सभी बच्चे अल्फ़ाबेट पढ़ चुके होंगे। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट एक वर्णमाला होता है, ये सभी को पता है। क्या होता है अल्फ़ाबेट? क्या होता है? एक वर्णमाला होता है। अगर मैं पूछूं कि अल्फ़ाबेट कितनी होती है, तो हर एक बच्चा का आंसर क्या होगा? 26। क्या होगा? 26। लेकिन यह क्या है? गलत है। अल्फ़ाबेट कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है ना। वर्णमाला कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है। और वर्णमाला के अंदर जो है लेटर्स, जो है लेटर्स अगर पूछा जाए तो लेटर्स कितने होते हैं बच्चे? लेटर्स 26 होते हैं। ये सभी को याद रखना है। तो सबसे पहले अपनी भाषा में सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, ये हम लोग सीखेंगे। अक्सर हम लोग एक दूसरे में बातें करते हैं, या फिर मुझे कोई ज़रूरत पड़े या फिर कोई भी मुझे आवश्यकता हो किसी से, तो उनको मैं कुछ ऐसी वाक्य बोलता हूँ, और जिसे वो जो वाक्य मैं बोलता हूँ उसे समझ में आता है, या फिर समझ में नहीं आता हो। जैसे मान के चलिए हम एक सेंटेंस बोलें, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। वो क्या बोला मुझे? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तो जो मैंने बोला उनको, उनको जो है क्लियरिफाई हुआ, वो अच्छी तरह से समझा और क्या आंसर दिया? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है वैसे वाक्यों को? एक सही वाक्य बोला जाता है, ना कि गलत वाक्य बोला जाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, तो यहाँ पे तुम लोग के लिए एक डिफिनेशन जो है मैंने बनाया है, यहाँ से देखिए शुरू से। इन एवरी लैंग्वेज, है ना, सभी भाषा में, एक भाषा में नहीं सभी भाषा में, देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, है ना। हर भाषा में बातचीत करने के लिए, हर भाषा में बातचीत करने के लिए शब्दों का समूह की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ओके, हर एक भाषा में जो है बातें करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किसी के बारे में संवाद करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? एक शब्दों का समूह का जरूरत पड़ती है। Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence. तो सभी पर ध्यान देंगे, जो हम लोग एक ग्रुप का ऐसा समूह को किसी के थ्रू या फिर किसी को क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर मैसेज देते हैं उनको, उनके प्रति संवाद करते हैं, और वो जो है सेंटेंस उसको अच्छी तरह से समझ में आता है, है ना। जो मैंने मैसेज उनको बोल रहा है, मैसेज अगर उसको कर रहा है, वो उनको क्या हो रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और उस समझने के बाद वो क्या कर रहा है, उस मैसेज का उत्तर सही सही दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कम्प्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तुम लोगों को क्या करना है?
याद रखना है। ओके, अब इट्स टाइप्स है ना, सेंटेंस का क्या सीखेंगे अभी, सेंटेंस के प्रकार है ना, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के प्रकार जो है, वाक्य को दो वर्गीकरण में बांटा गया है ना। कितने वर्गीकरण बांटा गया है? दो वर्गीकरण बांटा गया है। तो पहला वर्गीकरण हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे पहला इधर दिया हुआ है, इधर क्या है, पहला क्लासिफिकेशन है, और इधर क्या है मेरा, दूसरा क्लासिफिकेशन है। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, वाक्य के प्रकार दिया गया है। ये जो है पहला क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, ये क्या है, वाक्य के प्रकार। और सेकंड क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, जो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के थ्रू एक एक वाक्य का जो है, एक एक वाक्य का कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, चार तरह से बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे असर्टिव, और पहला क्लासिफिकेशन 1 में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर सेकंड में क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, आज्ञा सूचक वाक्य। थर्ड में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या बोला जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य बोला जाता है। अब हम लोग एक एक करके जो है सेंटेंस, यहाँ पे चार टाइप्स में दिया हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक एक करके हम लोग सभी सेंटेंस का जो क्या सीखेंगे, मीनिंग सीखेंगे कि होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस है ना, तो असर्टिव सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, ठीक है, हिंदी में बोलूँ, तो ये जो सेंटेंस है, एक्चुअली में एज एग्जाम्पल, माई सिस्टर स्टडीज इन दिल्ली है ना, माई सिस्टर स्टडीज इन दिल्ली, मेरी बहना कहाँ पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है। मैं यहाँ पे मेरे बहने का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि क्या कर रही है, मेरे बहना दिल्ली में पढ़ती है। यहाँ पे जो है, जो कुछ भी वाक्य होगा वो क्या होगा, सत्य होगा, ना कि असत्य होगा। अगर मैं बोलूँ किन्हीं को, मुंबई इज अ बिग सिटी है ना, मुंबई इज अ बिग सिटी, ये तो सही है कि मुंबई एक क्या है, बड़ा शहर है। लेकिन वहीं पर मैं बोलूँ मुंबई इज अ नॉट बिग सिटी, तो ये तो गलत हुआ, गलत हुआ ना, क्योंकि मुंबई तो एक बड़ी शहर है, ना कि एक छोटी शहर है। इसीलिए जो है क्या कहेंगे, मुंबई इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो ये सत्य के मामले, सत्य के वे पे चलता है, इन्हें क्या कहते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो दिया गया है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है यहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, आज्ञा सूचक वाक्य। किसी व्यक्ति को या फिर अपने से दूसरों को जो है हम आज्ञा करते हैं, कमांड देते हैं है ना, या फिर ऑर्डर करते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने इनके बोलो जाओ, ए जाओ मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ, मैंने क्या किया, उनको आज्ञा दिया कि जाओ तुम मेरे लिए क्या करो, पानी लेके आओ। तो ये क्या सेंटेंस कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने उसको क्या किया, आज्ञा दिया। नेक्स्ट, अगर और एग्जांपल बोलूँ है ना, कमांड किसी को करते हैं या फिर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने तो यहाँ पे कमांड किया है ना, रिक्वेस्ट करूँ तो क्या करूँ, प्लीज है ना, प्लीज कम एंड स्लीप ऑन द बेड है ना, कृपया करके आवर बेड में सो जाओ। मैंने उसको क्या किया, रिक्वेस्ट किया ना उसे कि तुम आओ और क्या करो, बेड में सो जाओ। तो ये क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस एक आज्ञा होता है, आज्ञा करना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना होता है। नेक्स्ट, थर्ड में क्या है, ये थर्ड में इंटेरोगेटिव
सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाए तो क्या कहते हैं उसको, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसी से कुछ पूछा जाए, है ना, किसी से कुछ पूछा जाए तो वैसे वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक कहलाएंगे। सच एज मैं किन्हीं को पूछूं यह क्या है ना, मैंने पूछा कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रश्न किया, मैंने पूछा यह क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ भी से एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने उसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने उसे क्वेश्चन किया ना, मैंने उसे क्या किया, एक प्रश्न पूछा। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की लास्ट में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का साइन कैसे होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से करते हैं, फिर नीचे क्या करते हैं, इसे बिंदु देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चार में जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे मान के हिंदी में तो बोलते हैं स्पेशली में इस विस्मयादि बोधक वाक्य, क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। लेकिन हम किसी व्यक्ति के सामने या फिर अपने आप में जब जो है अपना फीलिंग, मान के चलो जब मीन्स कभी भी हड़बड़ी में ऐसी आवाज़ निकलता हो, या फिर डर के मारे, या फिर इसी बॉडी में से कोई चीज़ उत्पन्न होती है जिसे हम डर जाते हैं, या फिर कभी अचंभा हो जाते हैं, उस समय मेरे मुंह से या फिर सभी के मुंह से इसी आवाज़ निकलती हो, इसी आवाज़ सजेज माना जाए तो, जैसे मान के चलिए हम रास्ता में चल रहे हैं, रास्ते में चलते वक्त हो सके मैं सांप देख लिया, तो बाप रे इतना बड़ा सांप, तो बाप रे हाय, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर से अगर कहीं पे मैच खेल रहे हैं, मैच खेलते वक्त, है ना, मैच खेलते वक्त हो सके हम क्या करते हैं, कभी मैच हार जाते हैं तो ओहो, है ना, ओहो हम लोग मैच हार गए हैं, कभी ऐसी बैड फीलिंग करते हैं। और उसी समय जो है अगर हम मैच जीत जाएं तो क्या करते हैं, हुर्रा वी वोन द मैच, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो इस तरह का जो है बॉडी में तुरंत फील होने वाली शब्द या फिर हड़बड़ी से निकलने वाली शब्द क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन टू में, है ना, किसमें आते हैं, क्लासिफिकेशन टू में। इसमें क्या है देखिए, जैसे मान के चलिए हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, है ना, वो तो सेंटेंस के अंडर ही आएगा ना, सेंटेंस के प्रकार तो बताएं, लेकिन सेंटेंस के अंडर आने वाले वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार टुकड़ा में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सच इज पहला क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, है ना, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो ये कौन सा वाक्य कहा जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसमें आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, सकारात्मक वाक्य के रूप में। सेकंड में क्या है, नेगेटिव, इसी को आई एम अ गुड बॉय, अगर उस सेंटेंस को हम बोलें घुमा फिरा के, आई एम अ नॉट गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो वैसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में नॉट लगे रहे उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने इससे पहले बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य था उन्हीं के अनुसार अगर इस वाक्य में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर किसी को मैं क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन पूछूं, तो वैसे में क्वेश्चन करना या फिर क्वेश्चन पूछना क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको अगर एक सेंटेंस के रूप में बोले तो, जैसे मान के चलिए हम पहले बोले थे अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई एम अ गुड बॉय, तो उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, आई एम अ गुड बॉय, एम आई
अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ? आम आया गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ? तो इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। आगे आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो लेकिन प्रश्नवाचक के अंतर्गत उसमें क्या लगा रहे, नहीं भी लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव। सच एज एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने बोला था आई एम अ गुड बॉय, कि मैंने क्या बोला था, आई एम अ गुड बॉय, तो वहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम नॉट गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। तो इस तरह का वाक्य क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, टुमोरो विल लर्न अबाउट ऑफ, अगेन विल स्टडी टुमोरो अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन वंस मीन्स इट्स टाइप्स। ओके टुमोरो विल टेल यू दैट इन इन कॉफी दैट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिफिनेशंस ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ओके सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू, गुड डे टू यू।